पार्टी क्या है या ये सरकार क्या है? बर्थ टिकट क्या होगा, ये सरकार ने दिया, आपके नीचे लिखा हुआ है, जिसका भी दिया है, जिसने दिया है उसका नाम लिखा होगा। केशव मौर्य के बाद अब दिनेश शर्मा। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण से जुड़े सवालों पर केशव मौर्य ने तो माइक निकाल कर फेंक दिया। आपको बता दें, ये वही भ्रष्ट नेता हैं जो अगर मुद्दे पर बात की जाए तो भड़क जाते हैं और मीडिया कर्मियों को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें MIM न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दें, BBC चैनल पर दिनेश शर्मा का इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिस दौरान उनसे सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए। आइए आपको बताते हैं क्या पूछा गया और क्यों वो पत्रकार पर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से BBC के रिपोर्टर अनंत ने सवाल किया और पूछा कि उत्तर प्रदेश में अखबारों में इन दिनों आधे आधे पन्ने का विज्ञापन नजर आ रहा है, जिसमें लाल टोपी बनी हुई है और लिखा है कि दंगाइयों का सफाया होगा। ये विज्ञापन सरकार करवा रही है या पार्टी? ये पूछे जाने पर दिनेश शर्मा ने कहा, जिसका विज्ञापन होगा उसका जिक्र होगा। ये पार्टी के ऐड है या ये सरकार के ऐड है? नहीं, पार्टी टिकट का होगा, ये सरकार ने दिया, आपके नीचे लिखा हुआ है, जिसका भी दिया है, जिसने दिया है उसका नाम लिखा होगा। जब उन्हें बताया गया कि इसमें सूचना विभाग के लोग हैं, तो उन्होंने कहा, आपका कोई एजेंडा पहले से तय है तो उस एजेंडे को आप पूरा कर लो, लेकिन माफिया में फर्क दिखाना है तो उसमें सरकार क्या गलत है? आप इसको स्टंट बनाना चाह रहे हैं, आप इसको रख दीजिए। टैक्स पेयर के पैसे पर इस तरह की राजनीति, विज्ञापन देने के बारे में पूछे जाने पर इसे सरकार की योजना बताते हुए दिनेश शर्मा ने कहा, जरूरी है कि सरकार टैक्स पेयर को अपने कामों के बारे में बताए। यह योजना ही है दंगा से मुक्त करना, क्या यह योजना नहीं है? क्या आप इसको योजना नहीं मानते हो? यह तो सरकार की है, BBC का एजेंडा ना हो, लेकिन भारतवर्ष के लोगों का एजेंडा है यह। और जब रिपोर्टर ने आगे पूछा कि विकास दुबे का जिक्र क्यों नहीं होता, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दावा कर रही है कि माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। इस दावे के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्यवाही हुई, अतीक अहमद पर कार्यवाही हुई, लेकिन विकास दुबे का जिक्र क्यों नहीं होता? इस सवाल पर दिनेश शर्मा ने कहा, माफियाओं के बारे में सरकार ने काम किया है, सरकार को कोई गुरेज नहीं है, माफियाओं की जात थोड़ी ही होती है। आपके प्रश्न का तरीका गलत है, आपको किसी से अपनी बात को मनवाने वाले प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न का तरीका गलत है, आप BBC से सम्मानित से हो, किसी चीज को आप अपनी बात को किसी से मनवाने वाले प्रश्न नहीं करने चाहिए। ये व्यक्ति विशेष का जो एजेंडा होता है, इस प्रकार के प्रश्न करता है। आपने एक प्रश्न किया, उसका मैंने जवाब दिया कि माफिया की जात के आधार पर प्रचारित नहीं। किसी व्यक्ति विशेष का कोई एजेंडा होता है तो वो इसी प्रकार से प्रश्न करता है, माफियाओं की जात देखकर कार्रवाई नहीं होती है, जो माफिया है उस पर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि यह ठाकुरों की सरकार है और इसमें ब्राह्मणों का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिनेश शर्मा ने इसे दुष्प्रचार बताते हुए कहा, हम एक कैडर बेस्ट पार्टी हैं, हम सभी जाति धर्म को लेकर साथ चलते हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सुनकर जो अच्छी चीजें होती हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं और जहां पर कमी होती है उसकी संपूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग, व्यापारी, किसान से अलग अलग वार्ता होती है। उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले चुनाव में पार्टी ने UP में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही साफ हो चुका है, लेकिन पार्टी की राज्य इकाई ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि बाबरी मस्जिद को ढहराना राष्ट्र गर्व की बात है। ऐसे बयानों की जरूरत पार्टी को क्यों पड़ रही है? इस पर दिनेश शर्मा ने कहा, यह कल्याण सिंह का अधिकृत बयान है। अगर इस
चुनावी माहौल के अंदर, क्योंकि वो मस्जिद गिराई गई, जैसे भी गिरी, जो भी हुआ उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, वो मेजोरिटी पक्ष में उसमें फैसला आया, लेकिन इस तरीके के ट्वीट करना कि किसी को उसके ऊपर कोई पश्चाताप नहीं, वो भी पार्टी के हैंडल से, क्या इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है पार्टी को? पार्टी को हमेशा पार्टी के जो भी नेताओं के वक्तव्य होते हैं, आपने तो एक सुनाया है, और भी जितने वक्तव्य होते हैं नेताओं के सभी ट्विटर हैंडल पे होते हैं हमारे, हम थोड़ी ना बना रहे हैं, ये तो ट्विटर हैंडल पे लिखा जा रहा है कि किसी को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई वो नहीं है। ये मुद्दा पार्टी ना, लोग आगे बढ़ चुके हैं तो फिर पुराने जख्म कुरेदने की क्या जरूरत है? कोई जख्म बीजेपी कभी कुरेदती। माननीय कल्याण सिंह ने लाखों सभाओं में अपना यह बयान दिया है, लेकिन क्या यह एक धर्म विशेष के लोगों के पुराने जख्मों को खुरेदना नहीं है? इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ने कहा, कोई जख्म भाजपा खुरेदती नहीं है, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। हमारी सरकार में अगर टॉयलेट मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, काम सबका है, तुष्टिकरण किसी का नहीं है। रिपोर्टर ने जब धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए जाने वाले सवाल भी पूछा तो जिसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए, लेकिन दिनेश शर्मा ने इस सवाल के जवाब में कहा, यह मेरी पार्टी से संबंधित बात नहीं है, जो धर्म संसद आयोजित करता है आप उनसे यह सवाल पूछिए, जो मैंने सुना नहीं वो मैं नहीं जानता, मैं उसका जवाब कैसे दे सकता हूं, जब मैं सुनूंगा तब मैं उसका जवाब दूंगा। उनसे फिर पूछा गया कि क्या ऐसे हेट स्पीच सही हैं, तो उन्होंने कहा, मेरा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, जिसमें भड़काऊ चीजें कहां आती हैं, सबको साथ में लेकर चलना यह प्रवृत्ति हमारी है, उसमें यह बात कहां आ रही है। आपको बता दें केशव शर्मा यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, पूरी दुनिया ने ये हेट स्पीच सुनी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे इस हेट स्पीच के बारे में पता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, जिस हेट स्पीच में मुसलमानों के नरसंहार की बात हुई थी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और इस सवाल से बचते नजर आए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें MIM News Express।